बरसों बोलते रंग और रंगों की कोस कजा। मौसम में बहार का रंग दो चंद हो गया। इन दिनों बहार अपने जोबन पर है तो फूलों का हुसन भी उरूज पर है। वैसे तो हर फूल का रंग ही जुदा, मगर फूलों के बादशाह गुलाब के तो क्या ही कहने। जभी तो जाबजा खिलखिलाते मुनफरिद और पुरकशिश गुलाब ने माहौल को दिलफरेब बना दिया है। बहुत खूबसूरत, जिंदगी से भरपूर, और मुझे फूलों का वैसे भी बहुत शौक है। हर तरह के फूल हों, उनको देख के लाइफ का एहसास होता है बेसिकली। यहाँ पे बहुत ज्यादा रंगों के फूल है और बहुत कलरफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। रंगों के इस कहकशा ने रोज गार्डन में तो क्या खूब समा बांध रखा है। मुल्की और गैर मुल्की नस्ल के गुलाबों के रिवायती और मुनफरद रंग यहाँ बिखरे पड़े हैं और उनकी मसूर कुन खुशबू हवाओं को भी महका रही है। गुलाब के फूलों का मौसम है तो हर तरफ गुलाब के फूल ही फूल हैं और खुशबू बहुत अच्छी है। गुलाब के फूल तो माशाल्लाह, मैंने कहा ना, ये तो अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफा है। इससे खुशबू भी है इतनी माशाल्लाह से और इतने खूबसूरत हैं, हर कलर के हैं और ऐसा कलर है कि मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी जगह आपको इस तरह के कलर नजर आते हैं। रोमानवी दास्तों की जान और मोहब्बत के इजहार की निशानी गुलाब का हुस्न अब सिर्फ चंद रंगों तक महदूद नहीं रहा। यही वजह है कि रोज गार्डन में हवा के दोष पर रक्स करते ये गुलाब के फूल मुनफरिद रंगों की वजह से हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करते नजर आते हैं। गुलाब जैसी रंगत और खुशबू किसी और फूल में नहीं, गुलाब का फूल जज्बे और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। कैमरामैन असद शेख के साथ सबा वजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।